दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप पेटीएम से किसी भी अकाउंट में कैसे रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, इसीलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपसे मिस ना हो। दोस्तों पेटीएम पे अकाउंट कैसे बनाना है इसके लिए मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर, जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाए हैं तो जाकर के बना लीजिए और वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है पेटीएम में वो भी वीडियो अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो किसी को भी पैसा कैसे भेजना इसी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पेटीएम ओपन कर लेना है। जैसे ही पेटीएम ओपन करते हैं दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहां पर आप किसी को भी स्कैन करके अगर भेजना चाहते हैं तो यहां पर आपको स्कैन का ऑप्शन आ गया है, आप अगर स्कैन करके भेजना चाहते हैं तो स्कैन से भी भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप मोबाइल से भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी आपको स्कैन तो नहीं करके भेजेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर से सेंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे टू मोबाइल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं इंटर योर मोबाइल नंबर या नाम। अगर आप उस जिसको भेजना चाहते हैं अगर उसका आप नेम जानते हैं, यहाँ पर अगर नाम सेव किए हुए हैं तो उस नेम को लिख सकते हैं या आप वहाँ यहाँ मोबाइल नंबर इनपुट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमें देख लीजिए हमको एक दोस्त को भेजना है तो हम उसका नेम टैप कर देते हैं। नेम टैप करने के बाद दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों इनसे हम इससे पहले भी ट्रांजैक्शन किए हुए हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर पे का, जैसे कि अभी आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कितना अमाउंट भेजना है वो अमाउंट लिख करके दोस्तों यहाँ पर पे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही पे पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको अपना इंटर पिन मांगेगा, आप जो UPI पिन रखे हुए हैं वो पिन यहाँ पर इनपुट करेंगे। चलिए हम जो पिन रखे हुए हैं वो पिन इनपुट कर देते हैं। इनपुट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ सही टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सही टिक पे क्लिक कर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप देख सकते हैं कि ये रुपया सेंड हो चुका है, यानी पेमेंट सक्सेसफुली दिखा रहा है और मेरे अकाउंट से भी कट गया दोस्तों, ऊपर से देख सकते हैं मैसेज आ चुका है। तो इस तरीका से दोस्तों आप किसी को भी रुपया अपने पेटीएम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझने में कोई दिक्कत है दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।